नमस्कार दोस्तों, आई एम अर्चना शर्मा, अ लॉ स्टूडेंट एंड ऑल्सो अ पेंटर. थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू माई पेंटिंग्स. जो आप अभी पेंटिंग देख रहे हैं, इसका टाइटल मैंने क्षितिज रखा है. क्षितिज ऑल्सो कॉल्ड द होराइजन. होराइजन का मीनिंग होता है कि जहाँ पे जो स्काई एंड अर्थ के बीच में जो बाउंड्री होती है वो खत्म हो जाती है, जैसे जो हमें अपीयर होती है. फिर उसके बाद मैंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये शो करना चाहा है कि जो क्रिएशन है वो जब अपने आराध्य देव की पूजा करता है, ये जरूरी नहीं है कि प्रसादा और फ्लास्क के थ्रू ही करें, जो कि हमारे इंडियन कल्चर में काफी ज्यादा फेमस है. वो किसी भी रूप में की जा सकती है, वो पेंटिंग के फॉर्म में की जा सकती है, सिंगिंग के फॉर्म में की जा सकती है, या डांस के फॉर्म में की जा सकती है. तो यहाँ पे मैंने डांस का सिंबल दिखाया है जिसके थ्रू जो क्रिएशन है वो अपने भगवान की पूजा कर रही है थ्रू डांस, एंड उसको एक्सेप्ट करते हुए, जो क्रिएटर है उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए उसी रिदम में, अपने डिवोटी के रिदम में ही डांस कर रहा है. और ये जो सिंबल है लोटस का, वो अपने आप में डिफाइन करता है क्रिएशन को. जब हम अपने इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी सारे जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन करता है, जैसे मीरा और कृष्णा का एग्जाम्पल ले लीजिए. ये तो सौराष्ट्र में भी, आज के गुजरात में भी एक फेमस है जो शिवा का टेम्पल है, वहां पे एक लेडी अपने डांस के थ्रू शिवा की वर्शिप किया करती थी. तो यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं. फिर इसके बाद इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि जैसे जो अर्धनारी का रूप है, जैसे जो शिवा और जो पार्वती हैं वो दो नहीं है बल्कि एक ही है, तो जो एक का रिदम होता है वही दूसरे का भी रिदम होता है, दोनों का सेपरेट नहीं होता, बिकॉज दे आर वन. फिर इसके बाद हम इसको प्रेजेंट सिचुएशन या पर्सनली कनेक्ट करते हुए ये भी कह सकते हैं कि ये इमॉर्टल लव ऑफ मॉर्टल वर्ल्ड दिखाता है. जैसे अगर हम पास्ट की एग्जाम्पल से ले, जैसे जो मीरा का लव था वो कृष्णा के लिए, वो थी तो मॉर्टल वर्ल्ड की, लेकिन उनका जो लव था वो इमॉर्टल रह गया. तो ये इस चीज को भी, आई पर्सनल फील की उस चीज को भी डिफाइन करता है. तो ये थी मेरी पूरी पेंटिंग. और ये इसका जो साइज है वो 50 इंच × 20.8 इंच है. और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी.